लाल भाजी भाटा टमाटर है। चालीस तीस रुपए लगी, तीस रुपए। ये हो गया आधा केजी टमाटर। ये देख सकते हो भाई सामने तालाब है, देखो काफी बड़ा सा तालाब है भाई, देखो मस्त। भाई सब इधर देख सकते हो आप लोग, मम्मी जो है भाई सब पकोड़े बना रही है, बड़ा खतरनाक खतरनाक पकोड़ा बना रही है यार माता जी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, वापस से सभी का स्वागत है कर न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब वही बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं ना उठ के भाई साहब अपनी गाड़ी को पिकअप कर दिया है अभी। ये देख सकते हो भाई कल का जो बचा हुआ सब्जी है उसको दोनों साइड, और सामने देखो नाना जी काम पे लगे हैं भाई, क्या क्या बना रहे हैं अपना, व्यस्त हैं। तो अभी ना जो सब्जी है इसको लेके जा रहा हूँ मैं बेचने के लिए, इधर इस साइड जा रहा हूँ भाई, और ना उधर ही से मम्मी पापा से मिलने भी जाना है, तो बेचते बेचते चलना है भाई साहब। बहुत दिन बाद जा रहा हूँ यार, आज सुबह सुबह बेचने, लगभग 1 महीना हो गया नहीं गया हूँ, तो देखते हैं यार कि कितना टाइम लगता है, इतना सारा भाजी है, बैगन है, टमाटर है बेचने में। तो चलो आगे मिलते हैं आप लोग से यार। ये लाल भाजी भाटा टमाटर है, ये लाल भाजी भाटा टमाटर है। तो भाई साहब सुबह सुबह ना यहाँ पास आया भाई बेचने, बहुत दिन बाद। आवा 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 जल्दी आवा, लाल भाजी भाटा टमाटर तीने सब्जी तो है मामी, मिर्चा है, धनिया नहीं है। हाँ दे दो, कल काकी पूछे घर में है, कल कहाँ घर में, कल तो बाजार गए, शेरिया चरा के कहत रहे दिन का है। हाँ वो दिन शेरिया चरा रहे, चार दिन नहीं ट्राई कर रहा था, पाँच है, पाँच नहीं। तो भाई साहब अभी यहाँ पास सेल कर लिया, अब बस पैसा लेना बाकी है कस्टमर से। तो चलो यहाँ से अब चलते हैं और आगे साइड। तो गाइस वहाँ से सेल करने के बाद सुबह सुबह यहाँ पहुँच गया मैं, तो चलो अभी सामान देते हैं भाई साहब। आ लाल भाजी भाटा टमाटर भाई साहब अभी बेच लिए यहाँ पास, और चलो फिलहाल यहाँ सब निकलते हैं और आगे से। देखो कस्टमर जा रहे हैं भाई, तो चलो। तो गाइस अभी ना मैं निकल चुका हूँ इधर, ये सामने जो गांव पड़ेगा अभी ये पड़ेगा भाई साहब नगोई नाम है इसका विलेज का, तो इधर चल रहे भाई आवाज़ लगाते हुए चलते भाई साहब। ये लाल भाजी भाटा टमाटर है, ये लाल भाजी भाटा टमाटर है, ये लाल भाजी भाटा टमाटर है। तो भाई साहब अभी मैं पहुंच चुका हूँ नंगोई विलेज पे और यहाँ पास रुका हूँ भाई, देख सकते हैं इस घर से कस्टमर आए थे लेने के लिए और अभी चले गए भाई साहब। वेट कर रहा हूँ कस्टमर के आने का, सामान ले गए हैं, पैसा लेके आएंगे तब यहाँ से चलेंगे भाई साहब आगे, देखते हैं कितना टाइम पे आते हैं भाई। अभी ना वहाँ नंगोई से सेल करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ ढंढन, लगभग 7 किलोमीटर आगे आ गया हूँ भाई यहाँ पास। है नानी लाल भाजी है, भाटा है, टमाटर है, काका दो बताओ, 20 के 5 है, 6 रख ले तो कैठो दम बता। टमाटर कैसे देता पहले बता। 40 नहीं देवा 40, 30 रुपए लगी, 30 30 रुपए 30 रुपए दाम जाता तो देता नहीं, नहीं नहीं बाजार दिन 30 चल रही नानी, पूरा 30 3 किलो ले। हां 3 के ले, 3 के ले ले 30 रुपए लगी तो 40 बेचा था, अरे ले ले माता, नहीं हम 20 रुपए ले, 20 में तो खरीदी नहीं सही नहीं है, नहीं नानी नहीं है वो, नहीं ले ले ले। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी ना मैं पहुंच गया हूँ ढंढन के बस्ती के अंदर सब्जी बेचने के लिए। तो देख सकते हो इतना सारा टमाटर बस बचा है यार, फिर बाकी लाल भाजी और बैगन तो ख़त्म हो गया और उधर भी थोड़ा सा टमाटर बचा है, और यहाँ देखो भैया ले लो ना यार टमाटर, अरे नहीं लेंगे बोल रहे हैं यार, सिर्फ 2 ही किलो टमाटर को बेचना, फिर बाकी जो है घर ले जाऊँगा सोच रहा हूँ, लेकिन कस्टमर ही नहीं मिल रहा है यार लेने के लिए। क्यों नहीं ले रहे हो भैया, कल मार्केट है, कल मार्केट में लेंगे बोल रहे भाई, क्योंकि कल मंडे है तो कल यहीं का मार्केट है, कल फिर से आएंगे बेचने के लिए, लेकिन कल शाम को आएंगे।
तो अभी निकले यहाँ से भैया। चलो भाई सब चलते हैं इधर से आगे और ढूंढते हैं कस्टमर। यार गाइस वहाँ सेल करने के बाद ना मैं आ गया यहाँ और यहाँ देखो कस्टमर मिले भाई। ले देखे आधा किलो ले रही है नानी जो है टमाटर। ये देम डाल दाई डाल दिन उत्कल आज जही माता। ये हो गया आधा के जी टमाटर। गाइस वहाँ से सेल करने के बाद अभी मैं आ गया यहाँ पर। एक के जी देना है इनको टमाटर जो है, और थोड़ा सा ही टमाटर बच्चा है यार, इतना ही बस, इतना बस टमाटर को बेचना फिर ख़त्म भाई। घर निकलेंगे मतलब इधर निकलेंगे भाई सब। देखते हैं कितना टाइम और लगता है यार बेचने में। काफ़ी धूप हो रखा है अभी, टाइम हो गया यार बेचते बेचते। बहुत टाइम लगता है यार विलेज पे आओ बेचने ना तो। हाँ दाई बने हैं हाँ दाई हाँ हाँ पहला की कहीं से तो घूमे लाल नहीं कहते ऐसे कही। तो गाइस जितना बेचना था बेच लिए, देखो इतना सा टमाटर बचा है तो इतना टमाटर तो घर में ही खा जाएंगे भाई। तो चलो अभी यहाँ से निकलते भाई सब घर के लिए, इस साइड चलेंगे अपन। तो चलो निकलते हैं भाई। तो गाइस अभी ना सुबह के 9 बज रहे हैं और फाइनली मैं जो है पहुँच चुका घर यार। ले दे के पूरा धूप में हालत ख़राब हो गया। और इधर देखो टमाटर जो कि बचा के लेके आया भाई मम्मी के लिए, मम्मी बोल रही है कि बहुत सारा ले आया हो करके, ज़्यादा ही ले आया। बैंगन लेके आया, टमाटर लेके आया, और इतना सारा बैंगन और इतना सारा लाल भाजी जो कि बहुत ज़्यादा है बता रही है। मेरे को लगा कि ले जा रहा हूँ तो 2-3 दिन तक ये लोग खाएंगे करके, लेकिन ज़्यादा ही हो गया क्योंकि गर्मी में ख़राब भी हो जाता है। और अभी भाई सब मेरे को जाना है नहाने के लिए, तो नहाने का व्यवस्था यहाँ जो है तालाब में जाना पड़ेगा भाई सब नहाने। तो अभी चलो चलते भाई सब तालाब और दिखा दूँ आप लोगों को कि हमारे यहाँ का तालाब जो है कैसा है भाई साहब। तो चलो। तो गाइस अभी मैं आया हूँ नहाने के लिए यहाँ पास। ये देख सकते हो भाई सामने तालाब है, देखो काफ़ी बड़ा सा तालाब है भाई, देखो मस्त पानी भरा हुआ है इस पर। ये देखो आप लोग देख सकते हो, और यहाँ ना कमल का फूल भी है भाई साहब। ये देखो कमल का फूल जो काफ़ी मस्त लग रहा है, ये देखो एकदम यार। देखो और उधर गाड़ी धो रहे हैं भैया लोग उस साइड, और पानी देख सकते काफ़ी मस्त पानी है भाई, ठंडा ठंडा। और बहुत दिन बाद तालाब में नहाने को मिल रहा है ना, मज़ा ही आ जाएगा भाई, मस्त दौड़ूंगा मैं तो अच्छे से। तो अभी अभी चलो भाई साहब नहाने चलता हूँ मैं फिर। तो गाइस अभी मैं नहा के आ चुका हूँ घर, और आती भाई साहब मेरे को मिला है खाना। ये देखो भाई खाने में आज बना भाई साहब, ये कौन सा कहाँ सब्जी अम्मा, ये भाई सब कुचाई मतलब कि अरबी की सब्जी, देख सकते हो खट्टम बना है शायद, नहीं मसाले में बना है, मसालेदार बना है अरबी की सब्जी। और ये टमाटर चटनी जो मैं टमाटर लेके आया हूँ ना, उसी का मम्मी जो चटनी बनाई क्योंकि वो नरम हो रहा था, ख़राब हो रहा था इसलिए। और चलो भाई साहब खाते हैं खाना, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो खाना खा लिया जाए पहले। तो गाइस गुड इवनिंग, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और ना खाना खाने सुबह खाना खाने के बाद मैं जो है सो गया था थोड़ा सा। फिर सो के उठने के बाद यार वीडियो एडिट किया, फिर एडिट करने के बाद वीडियो को अपलोड करने डाला था, और फिर ले दे के भाई साहब वीडियो जो है अभी अपलोड हुआ, तब जाके मेरे को शांति मिला भाई। हाँ क्योंकि कल जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो बहुत टेंशन हो रहा था यार, क्योंकि वीडियो व्लॉग रहते हुए अपलोड नहीं होता ना तो मज़ा नहीं आता है। और अभी ना मेरी माता जी कुछ बना रही है खाने के लिए, तो चलो आप लोग को दिखाता हूँ भाई साहब कि क्या बन रहा है घर पे। भाई साहब इधर देख सकते हो आप लोग, मम्मी जो है भाई साहब पकौड़े बना रही है। कौन से पकौड़े है अम्मा, भजिया कौन से भजिया बना रहे अम्मा? आटा भजिया हाँ। ये देखो भाई साहब ये है बैगन वाला भजिया जो कि काफी बड़ा बड़ा लग रहा है भाई, ऐसा वाला भजिया कौन कौन खाया भाई ऐसा पकौड़ा बताओ, गजब टाइप से बड़ा खतरनाक खतरनाक पकौड़ा बना रही है यार माता जी। और ये नॉर्मल पकौड़ा है प्याज वाला, और ये है बैगन वाला पकौड़ा है ना अम्मा, मसाला भरा है नहीं। इसमें 20 मिनट टमाटर चटनी डाला गया भाई साहब। चलो एक आठ खा के देखो का अम्मा, चलो भाई साहब इसको अपन खा के देखते है कि कैसा लग रही है। तो फुल गर्म है, ठंडा नहीं है कुछ, ठंडे है पहले के। ओके चलो भाई साहब ये वाला लेके चलते हैं, और एक प्लेट ले ले रहा हूँ मैं। प्लेट कहाँ है अम्मा? ये आ गया भाई साहब प्लेट, और ये आ गया पकौड़ा, लेके चलते हैं इसको खा के देखते हैं भाई साहब कि बना कैसा है। देखो सामने जो है खाट है भाई साहब, और अभी ना सनसेट हो रहा है भाई साहब, देखो मस्त क्या लग रहा है भाई साहब यहाँ आसपास का माहौल यार, काफ़ी सुकून और शांतिमय इलाका है। अभी चलो ये पकौड़ा खा के बता रहा हूँ कैसा बना कैसा है। पानी आ रहा है वो प्यार, देख
ठीक बनने के लिए ठीक बना है, लेकिन ये बैंगन ना ज़्यादा मोटा हो गया भाई, बैंगन जो है पक नहीं पाया है। फिर स्वाद जो है बढ़िया है यार, अच्छा लग रहा है, मस्त। गाइस अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और ना मैंने तो नाश्ता कर लिया यार फिलहाल, मम्मी जो बनाई थी ना पकौड़ा, बैंगन पकौड़ा, तो खा लिया है, मस्त अच्छा लगा था माता जी। तो अभी भाई साहब निकलते हैं यार यहाँ से, वापस से मैं जा रहा हूँ भाई नानी घर के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरे को दूसरे काम पे जाना है, जो कि आप लोग को कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा, और यहाँ रुक के जाता तो लेट हो जाएगा यार, इसलिए अभी जाना पड़ रहा है भाई साहब। तो चलो आशीर्वाद ले लेते हैं अम्मा का, पारी अम्मा, और पापा तो उधर दरवाज़ा खोलने गए भाई, तो चलो निकलते भाई साहब।